हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बेल के बारे में। बेल से रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आज हम कंटिन्यू करेंगे। बेल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि जब भी कोई एक्यूज्ड जो है जेल में बंद होता है, तो उसकी बेल करवाने के लिए हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, किन-किन पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर आप कोई एडवोकेट हैं तो एडवोकेट को यहाँ पर किन बातों को ध्यान में रखना है बेल ग्रांट करवाने के लिए, तो उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी आपके क्लाइंट के द्वारा जिसको भी फंसाया गया है किसी भी अपराध में और उसकी बेल ग्रांट करवानी है, तो सबसे पहले हमें उस जो भी ऑफेंस उसने किया है उसके नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या वो अपराध जो है जमानती अपराध है, क्या वो अपराध गैर जमानती अपराध है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो ये दोनों सिचुएशन जो है अलग अलग है। बेलेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो बेलेबल ऑफेंस ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति के नहीं होते, तो ऐसे केसेस में जो है बेल जो है वो आसानी से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस में जो आपकी बेल है वो या तो पुलिस स्टेशन से भी हो सकती है, अगर पुलिस स्टेशन से नहीं होती तो आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होकर अपनी बेल यहाँ पर ले सकते हैं। और ऐसे में एडवोकेट को यहाँ पर क्या काम करना होगा, एडवोकेट को यहाँ पर एक बेल एप्लीकेशन तैयार करनी होगी। साथ ही बेल एप्लीकेशन को तैयार करते हुए एक श्योरिटी का इंतजाम करना होगा और एक्यूज का वहां पर होना अति आवश्यक है, उसको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के समक्ष। साथ ही यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या अमाउंट डिसाइड किया गया है श्योरिटी के लिए, यानी कि जो एक बेल बोंड साइन किया जाता है। अब बेल बोंड क्या होता है इसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे तैयार करते हैं बेल एप्लीकेशन, उसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपनी बेल एप्लीकेशन में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पर बेल जो है आसानी से मिल जाती है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में हमें रखना होता है। एक श्योरिटी का जो है प्रबंध हमें करना होता है, एक्यूज का अवेलेबल होना अति आवश्यक है, श्योरिटी के पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो वो कोर्ट में सबमिट करेगा। सबसे पहला है उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, और श्योरिटी के लिए वो यहाँ पर एफडी रख सकता है, जो भी अमाउंट डिसाइड किया गया है कोर्ट के द्वारा। ये केस टू केस डिपेंड करता है, हर एक केस का अलग नेचर होता है, कोई ग्रीवियस है तो कोई सिंपल है, तो ऐसे केसेस में श्योरिटी का अमाउंट ज्यादा और कम हो सकता है। तो इसी तरीके से आप एक एफडी जो भी अमाउंट जो है जज साहब के द्वारा डिसाइड किया गया है या आपकी आरसी जो है कोर्ट में जमा कर ली जाती है, और यह कहा जाता है कि अक्यूज्ड अगर जो है यहाँ पर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ तो जो बेल बोंड भरा भरा गया है उसकी जो श्योरिटी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो दोनों का यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। अब हमें बेलेबल ऑफेंस में केवल इन्हीं बातों को ध्यान में रखना होता है एज एन एडवोकेट। अब बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंस की, जो कि गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, यहाँ पर आपको क्या आर्ग्यूमेंट करनी होती है इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए जब हम किसी को बेल दिला रहे हैं, बेल ग्रांट करवा रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आपको बहस करनी चाहिए और बेल ग्रांट करने के लिए जज साहब को समझाना चाहिए। अब हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको जज साहब को यह समझाना होगा कि जो आपका क्लाइंट जो भी इस केस में फंसाया गया है उसका इस केस से कोई कहीं से भी कोई नाता नहीं है। इसको झूठी तरीके से फंसाया गया है, इस एक्यूज का यहाँ पर किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप ये चीज प्रूफ कर देते हैं तो आपकी जो बेल है बिल्कुल एक ही बार में आपका यहाँ पर बेल आसानी से बिल्कुल मिल जाएगी।
अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट है अगर आपके केस में एफआईआर में डिले होता है, क्योंकि एफआईआर को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। एफआईआर में अगर डिले होता है तो ये भी एक पॉइंट है आर्ग्यूमेंट करने का, इस पे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो और जज साहब को यह समझा सकते हो कि एफआईआर में काफी ज्यादा डिले हुआ है, इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक साजिश की गई है मेरे क्लाइंट के साथ और यहाँ पर इसे झूठा फंसाया जा रहा है, इसलिए न्याय को ध्यान में रखते हुए इसको बेल ग्रांट की जाए। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपका अक्यूज्ड, जो कि ऑलरेडी उस पर एक सिविल केस चल रहा है और उस सिविल केस को क्रिमिनल केस में ट्रांसफर करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है, तो यहाँ पर आप जज साहब को समझा सकते हैं कि ये जो हमारा क्लाइंट है इसका पुराना कोई सिविल केस चल रहा है और दूसरी साइड से क्रिमिनल केस में इसे फंसाने के लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो यह बात कहते हुए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यह कह सकते हो जज साहब को कि इनको बेल जो है ग्रांट की जाए, ऑलरेडी इन पर एक सिविल केस चल रहा है और यहाँ पर ये रुख मोड़ने के लिए इनको और अच्छे से इनको फंसाने के लिए जो है ये केस जो है यहाँ पर क्रिमिनल केस में इन्होंने ट्रांसफर किया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि आपकी आर्ग्यूमेंट का एक विशेष पॉइंट बन सकता है। अगर किसी भी केस में चार्जशीट जो है ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है, तो यहाँ पर आप जज साहब से यह अनुरोध कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, कानून के अनुसार यहाँ पर पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, तो यहाँ पर न्याय को ध्यान में रखते हुए इसको बेल ग्रांट की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अगर कोई भी एक्यूज्ड जो कि काफी लंबे समय से अरेस्ट हो रखा है, यानी जेल के अंदर है, अब वहां पर जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है उसकी सजा का आधा आधा समय वो ऑलरेडी जेल में बिता चुका है, तो यहाँ पर आप जज साहब को यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जज साहब ये आधी सजा ऑलरेडी जेल में बिता चुका है, अब न्याय को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बेल ग्रांट की जानी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। हमारा अगला पॉइंट यह है कि किसी भी एक्यूज्ड को जब फंसाया जाता है तो यहाँ पर आपके लिए एक और न्यू पॉइंट निकल कर आता है कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, झूठा इसको इस केस में फंसाया गया है और ये पहला ही केस है और वो भी यहाँ पर झूठा इसको फंसाया गया है। प्रीवियसली इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो इसका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो न्याय को ध्यान में रखते हुए इसको बेल ग्रांट की जानी चाहिए। साथ ही आप बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में जिस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, जो कि एक डॉक्ट्रिन है, पैरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी। इसका क्या मतलब है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी का क्या मतलब है कि जब किसी अपराध के अंतर्गत काफी ज्यादा एक्यूज होते हैं और कुछ अक्यूज को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है और यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है उसको बेल नहीं मिली है, तो यहाँ पर आप यह अनुरोध कर सकते हैं जज साहब से कि इसी केस के अंतर्गत जो और को अक्यूज थे उनको जमानत मिल चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारे क्लाइंट को भी डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी के अनुसार जो है जमानत दी जानी चाहिए। इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से एक और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है जिस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वो क्या है, वो यह है कि अगर जो सेक्शन आपके एक्यूज पर लगी है सेम सिचुएशन है, ऐसा ही कोई और केस है और वहां पर बेल ग्रांट हो चुकी है उस एक्यूज को, तो वहां पर आप उस जजमेंट का रेफरेंस लगाते हुए क्या कर सकते हो, बेल ले सकते हो, जज साहब से गुजारिश कर सकते हो कि इस केस के अंतर्गत यह डिसाइड हुआ था, इसके अनुसार यहाँ पर भी न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारे जो क्लाइंट है इसको बेल ग्रांट की जाए, तो यहाँ पर डिस्क्रिएशन जो है देखा जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर
कोई जैसे कि जो जिस भी अपराध के लिए उसे फंसाया जा रहा है वहां पर सिंपल इंजरी है, तो सिंपल सिंपल इंजरी या सिंपल हर्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी आप जज साहब से अनुरोध कर सकते हो कि न्याय को ध्यान में रखते हुए जो केस के अनुसार है गंभीर चोट नहीं है, तो इसलिए इसको जो है बेल ग्रांट की जानी चाहिए। साथ ही आपको जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके अंदर 161 के बयान होते हैं, इसके अलावा जो भी और डॉक्यूमेंट है उनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। वहां पर बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको मिल सकते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए। तो जितने भी मैंने पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं, अगर आप इन सभी को ध्यान पूर्वक अगर देखते हैं किसी केस के अंतर्गत, तो आपको अवश्य आर्ग्यूमेंट के लिए काफी अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे और आप अपने क्लाइंट को जो है बेल ग्रांट करवा सकते हैं नॉन बेलेबल केस में और बेलेबल केसेस में भी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ी भी अच्छी लगती है तो भी लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।